बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कैरी के शरबत की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़ा ही मज़ेदार और खट्टा मीठा सा ये शरबत बनता है। गर्मी में खासकर यह बहुत बहुत अच्छा है, लू के दिनों में गर्मी को दूर भगाता है और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। चलें जी, अपने मज़ेदार और ज़बरदस्त से कैरी के शरबत की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं कच्चे आम, इसमें हमने कच्चे आम का यूज़ करना है। इसमें तकरीबन मैंने चार लिए हैं आम, इनको अच्छी तरह से हमने धो के छील लेने हैं। छीलने के बाद हमने किसी जूसर में इसके जो पीस हैं वो कट करके डाल देने हैं। इस वक्त जूसर के अंदर तकरीबन मैंने तीन छोटे जो आम हैं उनको काट कर इसके अंदर डाला है। इसमें अगर हम इसी तरह से बनाएंगे तो इसका कलर जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसमें बिल्कुल एक चुटकी फूड कलर डाल देंगे थोड़ा सा। उसके साथ ही हम इसमें काला नमक डाल देंगे और साथ इसमें चार से पाँच चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे। तमाम चीज़ें जो हैं अपने आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको चीनी कम पसंद है तो आप चीनी कम डाल सकते हैं। तकरीबन तीन गिलास इसमें हमने पानी डाला है और उसके साथ ही हमने इसको रख देना है, अच्छी तरह से इसको ग्राइंड करना है इस तरह से। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएँ तो उसके बाद आप ऐसे ही इसको पी सकते हैं, वरना आप इसको छान भी सकते हैं। लेकिन मैं इसको छान रही हूँ ताकि बच्चे वगैरह बाज़ दफ़ा ज़िद करते हैं, तो क्यों ना इनको छान कर अच्छी तरह से दे दिया जाए। इस तरह ये देखें माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा कच्चे आम का जो शरबत है वो तैयार हो चुका है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बड़ी ही हेल्दी सी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, जिसे आप भी ज़रूर बनाइएगा। आजकल के मौसम में वैसे ही इस तरह की रेसिपीज़ जो हैं या ड्रिंक जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।